हे गाइस, सब लोग कैसे हो? नमस्ते नमस्ते गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्या गाइस, मैं अभी फिलहाल उल्टा सीधा काम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलो यार, हमारे चैनल का इंट्रो दे देते हैं। हेलो एंड गाइस, मैं हूँ रोबेन, आप लोग देख रहे हैं लवलॉन यूट्यूब चैनल, जिधर में हम लोग बहुत ही काट छाट करते, सबका गान मार देते। कैरी मिनेटी का मतलब वीडियो देखा ना भाई साहब, डेली ब्लॉग का नाम में इतना कचरा कर रहा है, इतना हग रहा है भैया, सच में सच में सच में सच में। अभी बताओ, धोती खोल दिया है भैया, धोती खोल दिया है हमारा कैरी मिनेटर भैया। तुम यार मेरा भाई गुरु हो भाई, सच में बोलो तो कैरी मिनेटर मेरा गुरु है भाई। वीडियो देख के ना मैं ना 3-4 मिनट से मतलब हंसते ही रहता है वो, बताए हंसते हंसते मेरा पेट का यार हालत खराब है। जो टेक्निकल गुरु जी है करेंगे ना, कॉन्ट्रोवर्टिस चालू करेंगे तो दोनों का ही फायदा है, तो इसलिए सब लोग यार हंसते हंसते चीज को मान लिया है। और अरमान मलिक का मतलब उसका तो गान ही मार दिया है। ये तीन बंदा जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, अरमान मलिक है और गौरव भैया है, ये तीनों ना मतलब यार इस वीडियो को थोड़ा ले लेगा भैया, ठीक है। मनोज दे के साथ और सौरभ जोशी के साथ, दोनों के साथ कुछ दिन पहले कोल्ड वॉर हुआ था, तो इस बार भी मतलब यार सौरभ जोशी कैरीमिनेटी के ऊपर थोड़ा रिएक्ट करने वाला है। तुम लोग यार कुछ दिन ठहरो। तो अभी फिलहाल जैसे सौरभ जोशी के ऊपर जितना मतलब यार खतरनाक बोल के ना रोस्ट किया ना, और गाइस सच में सौरभ जोशी सामने देखता है मतलब यार मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, बट ये इतना होता नहीं है। सही, टॉयलेट करने के लिए गए थे उधर भी मतलब ना ब्लॉग चालू कर दी। बड़े बड़े क्रिएटर है, उन लोगों का जीवन बहुत अलग है और हम लोगों का जीवन थोड़ा गलत है। टाइम फ्लाइंग बीस्ट प्लेन उड़ाता है, ब्लॉग बनाता है, बहुत अच्छा लगता था, बट अभी फिलहाल प्लेन तो नहीं उड़ा रहा है, बट हाँ चड्डी उड़ा रहा है। अरमान भाई क्या कर रहा है अभी? साला इंसान को एक बीवी जुटता नहीं है, अरे इधर हमारा अरमान भाई के पास दो दो बीवियां है, करने का मन करता है तो अरमान भाई मतलब यार किसके पास जाता है, इसके पास ना उसके पास। अरमान भाई आइसिंग हो सकता है मतलब यार, एक बैलून पहन के दोनों का काम शांत करता है। बहुत अच्छा मनाया है सौरभ जोशी का ओ ब्लॉक ये जो पार्टी वाला। हो ये तो गाइस जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूँ भाई साहब। आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था, एक छक्का रिकॉर्ड करने के लिए 10 विकेट लेने पड़ गए, अरमान फिर मलिक बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। और उससे पैसे लेने चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बताओ। हाँ लिख देना, ऊपर से साइकिल चला चला के मेरी जांगे और खराब हो गई है और वो रिटायर भी नहीं हुआ। वैसे गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट किट भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ। वो रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हैं वो। अब अगले साल फिर से साइकिल है, चलानी ठीक है। पड़ेगी। पर साइकिल चलना चलेगा इस, कंटेंट साइकिल जरूर चलनी चाहिए, इसलिए आज हम जा रहे हैं मोनू के फ्यूनरल पे। चलो अभी हम नीतू के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अरे यार नीतू, अरे आ रही हूँ ना, पी 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 लगा रखा है। अरे भाग का रही है, सुन तो, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं खुशा को ना उल्टी हो रही थी। क्या हुआ, तूने व्लॉग किया बता? वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। मोटे तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक घुसन मारूंगा ना तेरे। अरे घुसन, मेरे को घुसन मारा है तू? ये सब अपने व्लॉग में मत बोल मोटे, भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था। अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे। अब जा ना ले, फिर भी तो जाना है। अरे एक चाय तो पिला दे यार। तो गाइस रितु हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है। प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट। अरे ले भैया ये कौन है? कुशु बेटा, पापा आम खा ले आपका। कुशु मूबा बोलो भैया, मूबा। पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। कंटेंट से ही बड़ी हो गई है। कुशु बोलो मूबा। ला ला ला, गुड गर्ल। तो गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है, तो आपको तो पता चलता ही होगा ना। क्या जोक मारा है भाई, क्या एक्टिंग था। गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े। नीतू चाय, नीतू चाय, चाय नीतू नहीं चाय, मिल कब बोला है? नीतू चाय चाय मुझने गए भाई, चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस। चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्निया दी थी, अब पिलाएगी? ऐसा मत कर।
ये चाय की प्याली ना हमें हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइज ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है उनको। मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम। तो मैंने इसलिए बतला था ना ताकि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको, पर गाइज ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी। सुनाएगा तो गाइस परफ्यूम वगैरह रेडी हो चुका हूँ, अभी आपको जाकर वहाँ पे आउटफिट दिखाता हूँ। हाँ सेम डे तो नहीं करता है। पड़ेगा पड़ेगा। अरे यार चट्टी बाहर तो झुका भी नहीं जाता है। मोटे कैसा लग रहा हूँ मैं? गौरव भाई देखा मोटे ये क्या पहन लिया? अरे अर्थी उठानी है, उड़ानी नहीं है यार। कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी है। तो मैंने कहा था केस ठोकने को। अगला केस तलाक का ठोक दूं, बकवास कर रही है। Hey guys, good morning. Welcome back to morning vlog. Guys, just अभी पियूष मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। भाई मेरे को ये कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप लोग उस दांचा को कैसे खा सकते हो, तो लोग हमें बताना चाहते हो। गाइस हम कलर में बहुत पोहा भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बोला पियूष? तो गाइस पियूष ने फिर से कुछ मंबल किया है, एक बार इस बार ना ढंग से सुनते हैं। जोरदार मेरे को भूख लग रही है। तो गाइस पीयूष कह रहा है उसे अभी भी भूख लग रही है। अरे आपका आधा व्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। तो गाइस पीयूष कह रहा है हमारा आधा व्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। ओह भाई खतरनाक। तो गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है भाई। अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे, पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले पिछले वाला व्लॉग होगा। गान पार रहा है भाई। तो गाइस बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइस चाची जी आ गए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे दिन में? अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए सरप्राइज है। अरे तो एक और खोलो ना पहले, ये बांध दिया इन्होंने पता नहीं क्या। अरे ये लो। ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? हाँ क्या है इसमें? क्या घर? अरे खोलो, घर के आइटम है क्या? चल ये तो तुमने मेरे को कहा। रिसेंटली सौरभ जोशी का ब्लॉग के अंदर ऐसा लगा है, ब्लॉग वीडियो अपलोड किया है, तो उसके ऊपर मतलब पूरा देखा रहा है। पीस पीस मत कर, पीस पीस बोलो ना चाची जी। मेरा मेरा गिफ्ट है ना। अरे आ गया। अरे चाचा जी, चाची जी को करने दो ना। चलो लो करो करो उठा। इतना क्या है? अरे ये और बीच में आ गया पीछे तक। मैंने बोला ना मेरा गिफ्ट है। हां पीस शरारत मत कर, तो तुमने सर पे चढ़ा दिया और कुछ। अच्छा इधर दे दो इधर। रखो गंदा नहीं गंदा नहीं करना। हाँ, हाँ, क्या लाया तुम इधर? मम्मी को मैंने सोचा इतना बड़ा डब्बा है, मैंने सोचा कोई बड़ी आइटम होनी। ये वाला पक्का लाश है चाची जी वाला पक्का लाश। अगर इसके अंदर हुआ ना बच्चों तो पक्का अप्रैल फूल बना रहे तुम। अरे अप्रैल फूल नहीं है ये देखो। हां ये देखो ये देखो इतना बड़ा बट नहीं है, ये अच्छा वाला कागज है। अरे मम्मी जल्दी बोलो ना एंगेजमेंट नहीं आते सोना मेरे को पहन लेते हैं। अरे खोल रही हूं ना और बच्चों को नहीं गिफ्ट देना, तो इसी कागज में पैक कर देंगे हम देखना। साल लगाओगे बढ़िया से। अरे ये तो आईपैड है सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इसमें चाची। अरे सच में करता है, सच में करता है भाई, सच में करता है। सरप्राइज चाची जी सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं एक गार्डन। सॉरी मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। गांव भेज दूंगा थेट कर रहा है, दोबारा चिपकाना पड़ेगा। सरप्राइज ये क्या है सिलवट्टा? थैंक यू बेटा। अरे पागल औरत आईपैड है एप्पल। थैंक यू बेटा, ये चलाते कैसे बताना मेरे को, तो इसको कैसे चलाएंगे? अरे बेटा एक मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था। अरे उसका कलर वाइट है, मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है और तो गाइस अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। थैंक यू। और मुझे तुझे अभी दी तो थी बिस्लेरी की बोतल, कितना गिफ्ट चाहिए? अरे गाइस ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने ये चने समझ के खा लिए थे फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइस ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइस ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूंगा। गाइस ये देखो बाथरूम का दरवाजा, अंदर देखते हैं क्या है। अरे पीयूष तू है? पीयूष बता ना पीयूष।
हम थार में पहुंच चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष साइड है। पीयूष साइड क्यों है तू? बता प्लीज, बता पीयूष। पीयूष भाई साइड। पीयूष। अबे पीयूष, पीयूष क्या लगा रखा है? पीयूष है नाम मेरा। बचपन तो तूने कंटेंट बना बना के चोद दिया और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं साइड क्यों? अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। सेवंथ में दो बार फेल हो चुका हूँ मैं तेरे चक्कर में। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रीटेक दिए थे मैंने उस रात। मैं सो नहीं पाया, अगले दिन एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई, सैड इमोजी। तू चूतिया वूतिया है क्या भाई? ये आदमी ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल। हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिसोटो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है और ये बोल रहा है कि मैं साइड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सब्सक्राइबर्स आए, हेलो करे, हेलो हेलो पीयूष देख गाइस लगता है पीयूष स्कूल चले गए। संग्राम जी इधर आइए। क्या हो गया बाबू? हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे प्लस वन लिखा है तो दो जन को एंट्री कैसे दे दें? जब मेरी दो बीवियां हैं तो मैं प्लस वन कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? ये रोबोट थोड़ी है। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। गजब लोग हो यार। गाइस हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है, इंसान चैन से दो बीवियां नहीं रख सकता है। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं। मैं जो थ्रीसम सुना है, थ्रीसम अरे शान हो गया हूं यार, मैं कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये मैकेनिकल गौरव जी यहाँ क्या कर रहा है? मेरा कंटेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। टेक टू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे कॉस्टली सर्दी के सामने। मतलब यार कुत्ते मर गए उधर, उधर में जाके रिव्यू दे रहा है, समझ रहे हो? जिधर में जाता है सब लोग मतलब यार रिव्यू देते रहता है। मोनू द डॉग का जनाजा जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर ये ब्रांड कौन सा है पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है अब की औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहाँ चार मोमो भी पड़े, टेस्ट करके बता दो कैसे है। अरे मैकेनिकल भाई ये मोमो नहीं मोदक है। दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है। मोनू के मोमो का मां चुराने। दोस्तों आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है। ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों चूतिया जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर ब्लॉग की तरह मैं इस ब्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की मां चौधरी में। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस जूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सह परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सौरभ आया हुआ है। उंगली दिखा रहा है, आंखें बंद, आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां गौरव भी आया हुआ है और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ चूतिया ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब का एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ एक मिनट भी। That's it for today's vlog. Like, share करना है तो करो वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, मत चुदाओ तुम लोग। I'm the best. मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। भाई क्या ही खतरनाक भाई वीडियो है भाई। पूरा पूरा जो डेली ब्लॉग का पूरा माँ बहन सब कुछ एक कर दिया हमारा कैरी भाई ने।
हाँ गाइस, हम लोग भी बहुत परेशान हो चुका है भाई इन जैसे मतलब यार ब्लॉगर से भाई, खतरनाक खतरनाक ब्लॉगर से। इंडिया के अंदर बहुत सारे डेली ब्लॉगर है जो लोग मतलब यार कोई काम धंधा नहीं है, चूतियागिरी करते रहते ऑल टाइम, कोई काम धंधा नहीं है। ये क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या बाथरूम में जाके कर रहा है, वो मतलब यार कौन सी बेबी को लेकर सो रहा है, मतलब ऐसे तरह का कंटेंट का वीडियो है भैया। अभी तो फिलहाल यूट्यूब कचरा लग रहा है मेरे को, फेसबुक तो कचरा बन गया ना, पॉर्न अप बन गया, अभी फिलहाल यूट्यूब को मतलब कचरा बनाना चालू हो गया। अरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।